नमस्कार बुलेटिन को स्वागत। सरकारी स्तर में बड़ खबर आसी पहुंची जनगणना को नहीं। तेज जनगणना को नहीं जो बड़ खबर आम आपको कहूँ अर्थात चलित बर्ष जदि कह जनगणना को नहीं अपडेट आसी आसंता 2025 रु 2026 जाए चल जनगणना प्रक्रिया एवं आसंता वर्ष जनगणना हेबो जेतु 2021 मसीहार जनगणना हेबार थिला किंतु जेतु कोविड महामारी से समय काय विस्तार करथिला सेतिपाई जनगणना करा जाई नथिला एवं वर्तमान समय 2025 रु 2026 भितर जनगणना हेबो बोली सूचना मिलिछि। जनगणना परे निर्वाचन मंडली पुनर्निर्धारण करा जिवो जनगणना चक्र भी बदली जिवो 2025 परे 2035 रे हेबो जनगणना कारण 2011 परे 2021 रे जनगणना हेबार थिला अर्थात 10 वर्ष परे किंतु वर्तमान समय 2021 रे जेतु हेई पारिलानी कोविड जोगु ता 2025 को धार्य करा जाइछि। 2025 को जदि जनगणना होछि से अनुसार 10 वर्ष परे 2035 रे पुणि थरे जनगणना करा जिवो एने के सरकारी स्तर रे विश्वस्त सूत्र रु खबर मिलिछि। 2025 रु 2026 पर्यंत चलिबो जनगणना प्रक्रिया जहाँ 2021 रे हेबार थिला ताहा 2025 रे करा जिवो। जनगणना चक्र जो निर्धारण समय थिला भी बदल वर्तमान बदली जिवो। विक्रम केशर परिचा अधिक अपडेट देबा पय मो सत छन विक्रम कोविड महामारी पय जनगणना होई पर नथिला वर्तमान 2025 रु 26 भीतर जनगणना हेबो ता सहित चक्र भी बदल जिवो अर्थात नेक्स्ट जनगणना 2035 रे करा जिवो बोली सूचना मिलिछ वर्तमान ଭାବରେ କାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଯୋଉ ଆମର ଜନଗଣନା କରାଯାଉଥିଲା ସିଏ ଦଶନ୍ଧିର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ହିଁ କରାଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗତ କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ଥିଲା 2021 ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଚକ୍ର ବଦଳିଥିଲା ଅର୍ଥାତ 2021 ହେଇପାରିନଥିଲା ତେଣୁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏଇ ଜନଗଣନା କେବେ ହେବ ତାକୁ ନେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଅନିଶ୍ଚିତତା ଜାରି ରହିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ହିଁ ଜନଗଣନା କରାଯିବ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଯୋଉ ଜନଗଣନା କରାଯିବ ସେଠୁ ତାପରେ ପୁଣି ଚକ୍ର ବଦଳିଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ 10 ବର୍ଷରେ 2025 ରୁ 26 ଏଟା ଚାଲିବ ଏବଂ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି 2028 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ତେଣୁକରି ନିହାତି ଭାବରେ ଆଉ ତୁରନ୍ତ ଜନଗଣନା କରିବା ପୁଣି 2031 ସମ୍ଭବପର ହେବ ନାହିଁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ 10 ବର୍ଷରେ ଅର୍ଥାତ୍ 2025 ପରେ ପୁଣି 2035 2045 2055 ଏମିତି କରାଯିବ କିନ୍ତୁ 1951 ମସିହା ଠାରୁ ଲଗାତାର 2011 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯୋଉ ଜନଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ 10 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଲେଖା ଜାରି ରହିଥିଲା ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଜନଗଣନାର ଚକ୍ର ଏହା ବଦଳିଯିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ଏ ଘଟଣା ଘଟିବ। बिल्कुल एवं विक्रम जदि कहिबा ए जो जनगणना करा जिवो सेतिरे जो चक्र बदली जाइछि बा कहि परिबा 2025 परे 2035 रे हेबो 2045 रे हेबो 2055 रे हेबो अर्थात जो 2011 रु 2021 रे बा कथा 2031 रे बा कथा ता बदलिछि। ता सहित आमे जदि जनगणना रे देखिबा ता सेतिरे लिटरेसी थाए डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अर्थात केते लोक अछन्ति सेमानकु देखा जाय केते लोक शिक्षित अछन्ति ताकु कोना जाय सेक्स रेशियो कु देखा जाय एवं ता सहित अन्यन कोन सब थारी जनगणना रे जनगणना रे विभिन्न तथ्य संग्रह करा जाए विभिन्न सरकारी कर्मचारी माने घर घर बुली विभिन्न घर रे सिबा लोक मानकर संख्या सेमानकर लिंग सेमानकर जो अन्य किसी तथ्य बा आर्थिक स्थिति इत्यादि इत्यादि संपर्क रे तथ्य संग्रह करथांती। वर्तमान जो जनगणना हेबाकु जाउची एथिरे जातिगत जनगणना को इनक्लूड करबा पई बहु विरोधी माने दाबी करथांती एपर्यंत सरकार से नै कोनसी स्पष्ट सूचना देइ नाहांती। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତିଙ୍କର ଜନଗଣନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏସ୍ସି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ତା ଛଡ଼ା ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଜନଗଣନା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବର୍ଗ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ କୋଉ ବର୍ଗର କୋଉ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ ତେଣୁ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥରର ଜନଗଣନା ଏଥିପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଥରକ ବୋଧହୁଏ ଜାତିଗତ ଜନଗଣନାକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରାଯିବ କି ନାହିଁ ତାହା ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ଲିଟରାସି ରେଟ୍ ବା ସାକ୍ଷରତା କଥା ହେଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯେମିତିକି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପିଇବା ଜଳର ସୋର୍ସ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ସଡ଼କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ସେମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଫାସିଲିଟିଜ୍ ପାଉଛନ୍ତି ବିଜୁଳି କନଜପ୍ସନ୍ ଜାଳେଣୀ ବ୍ୟବହାର ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ତଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଥିରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ ଏବଂ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ସରକାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଥାନ୍ତି ବା କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଜନଗଣନାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜାତିଗତ ଜନଗଣନା ଧର୍ମଗତ ଜନଗଣନା ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗତ ଜନଗଣନା
याकु लेकर जो द्वंद रही जो बिवाद बा वितर्क रही ये संपर्क में स्पष्टता सहित आसपे सरकार क्या ग्रहण कर बिल्कुल बिल्कुल नजर रहा विक्रम ए बर्तमान समय आम कह जेहे 2011 पर 2025 रे जनगणना करा 2011 समय से समय तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे प्रतिभा पाटिल से समय सेंसस कमिश्नर सी चंद्रमौली जनगणना रिपोर्ट ग्रहण करते बर्तमान समय 2025 को अपेक्षा रही जो समय कि पुणी थे आम कहीपर 14 वर्ष पर जनगणना प्रक्रिया आरंभ हो अन्य खबर को जो भाव में भारतीय एयर बेस को मिल दल गुजरात में वडोदरा शहर में आज उद्घाटित हो टाटा एयर बस C295 एयरक्राफ्ट प्लांट यह प्लांट को उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और स्पेन राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज तीन दिनिया भारत गस्तर आसी स्पेन राष्ट्रपति दुई देशर राष्ट्रमुख्य स्वागत सजे होती वडोदरा शहर आप बर्तमान जो वडोदरा अर्थात गुजरात वडोदरा चित्र देखुं जो भाव में उभय पार्श्वे प्रधानमंत्री मोदी को स्पेन राष्ट्रपति स्वागत करने कि अपेक्षारत गुजरात बासिंदा वडोदरा बासिंदा बर्तमान समय यही स्पेन राष्ट्रपति आनि दिनिया गस्तर जो थे आम कहीपर गोटे प्रकार जो भाव में स्पेन और भारत संपर्क रही आदरा मजबूत हो सहित एटी वडोदरारे जदि वर्तमान समय जो स्वागत समारोह कर उभय पार्श्वे लोक माने विपुल मात्रा रे समर्थन करुछंती बा स्वागत करुछंती प्रधानमंत्री मोदी को एवं स्पेन राष्ट्रपति को यह अवसर में आम कहीपर गोटे बड़ बेनिफिट मिलवाक जाऊँ भारत को टाटा एयर बस C295 एयरक्राफ्ट प्लांट होगाक जाऊँ उद्घाटित हो आज वडोदरा शहर से जो 295 एयरक्राफ्ट प्लांट रे वर्तमान समय 40 एयरक्राफ्ट गुजरात में निर्माण होवार लक्ष्य रही बाकी 16 एयरक्राफ्ट स्पेन रु भारत को आसव अर्थात आज जो एयरक्राफ्ट प्लांट उद्घाटन करा जिवो गुजरात वडोदरा रे जो थे कि एयरक्राफ्ट निर्माण करा जिवो भारत रे एवं C295 रो जो योजना रे रही 56 एयरक्राफ्ट से 14 आम कहीपर 16 एयरक्राफ्ट आसव स्पेन रु बाकी 40 भारत में ही ये जो एयरक्राफ्ट प्लांट आज उद्घाटन हो निर्माण करा टाटा समेत भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भारत डायनामिक्स भी एयरक्राफ्ट निर्माण में सामिल हे 2021 56 एयरक्राफ्ट एयर बस चुक्ति करा भारत यह विमान निर्माण भारतीय एयर स्पेस को मजबूत कर प्रतिरक्षा क्षेत्र में भारत को आउ गोटे प्रकार बेनिफिट बा भारत जो आत्मनिर्भरशील भारत बार्ता देखिए आउ एक फर्द जोड़ी हे जिते C295 एयरक्राफ्ट प्लांट भारत में निर्माण करघाटन होगा जाऊाटन अवसर आम कहीपर गोटे बड़ अनुभूति आत्मनिर्भर भारत में आउ गोटे बड़ स्टेप आम बा भारत प्रतिरक्षा क्षेत्र में आहरी सशक्त होगा जाऊँगी कारण C295 एयरक्राफ्ट प्लांट आज उद्घाटन होगा जाऊा एयर बस गुजरात वडोदरा रे प्रस्तुति व्यापक कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पेन राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज वर्तमान आप देखुं जो रोड शो बाहरी से रोड शो कि स्वागत करभय पार्श्वे लोक मैंने स्वागत अपेक्षा करधानमंत्री मंत्री को देखापी स्पेन राष्ट्रपति को देखापी आज जिते एयरक्राफ्ट प्लांट कथा कहे उद्घाटन टाटा एयर बस C295 एयरक्राफ्ट प्लांट उद्घाटन हो अर्थात भारत आउ एक माइलस्टोन आम कहीपर प्रतिरक्षा क्षेत्र में भारत को आउ गोटे सफलता आत्मनिर्भर भारत ये आउ गोटे सीढ़ी आम चढ़ाक जाऊे जिते 56 एयरक्राफ्ट C295 योजन रही जो थी को 16 स्पेन रु आसव किंतु बाकी 40 एयरक्राफ्ट प्लांट ही निर्माण करा सामरिक विमान निर्माण में प्रथम बेसरकारी संस्था भाव काम को हाथ को नहीं फाइनाल असेंबली लाइन बा फाल एवं फाल सहित टाटा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भारत डायनामिक्स एयरक्राफ्ट निर्माण में योगदान करोगदान करेंगे किंतु प्रथम बेसरकारी संस्था जे कि हाथ को नहीं एयरक्राफ्ट प्लांट करने फाल नहीं हाथ को सहित भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भारत डायनामिक्स भी जोड़ी होती टाटा एयर बस C295 कथा कह स्पेन रु आसव 16 C29 एयरक्राफ्ट आसव बाकी 40 भारत ही निर्माण करा जिवो एवं जो टाटा एयर बस C295 प्लांट रही एयरक्राफ्ट प्लांट ताहा जो आज उद्घाटन होगा जाऊँ भारत आत्मनिर्भर भारत होश्चित भाव शक्तिशाली होउची
प्रतिरक्षा क्षेत्र जेहेतु यही एयरक्राफ्ट गुड़िक भारत में ही 40 निर्माण होतीपाई प्रधानमंत्री जो लक्ष्य रही भिजन रही निज को निज देश को स्वावलंबी करेबार से क्षेत्र में भारत आउ एक सीढ़ी चढ़ कारण प्रतिरक्षा क्षेत्र में मध्य आम आत्मनिर्भर हो पारा ता सहित भारतीय एयार स्पेस को मध्य मजबूत करेक्षी में गुजरात वरोदारू आप देखुं रोड शो जो रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पेन राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज सामिल होती गुजरातवासी स्वागत करुछंती विपुल मात्रा में।